अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा कुकिंग व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से खैरियत से हैं। तो अलीज़ा कुकिंग व्लॉग्स में आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा भुर्जी की रेसिपी। तो मेरी ये रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो अंडा भुर्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप करके लिया है। उसी के साथ साथ एक टमाटर चॉप करके लिया है, हरा धनिया लिया है, हाफ टी स्पून ज़ीरा लिया है, दो हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा हमने यहाँ पर लहसुन कूट कर लिया है। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक लिया है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हमने यहाँ पर 4 अंडे लिए हैं। तो हमने यहाँ पर कढ़ी को रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। अब हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल के गर्म होते ही हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरा जैसे ही हमारा तड़क जाएगा, हम इसके अंदर कूटी हुई लहसुन को ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हिलाएंगे। लहसुन आप देख सकते हैं भुन चुकी है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्ची को ऐड कर देंगे जो हमने बारीक चॉप करके रखी थी। इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनती है, बहुत ही चटपटी होती है। आप ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हम भून लेंगे। हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का गुलाबी रंग आने तक हमें भूनना है। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो प्याज भी हमारी भून चुकी है। अब हम इसके अंदर इस स्टेज पे टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटरों को गलने तक हम अच्छी तरह से पका लेंगे। अब नमक ऐड कर देंगे हम इसके अंदर, इसे अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे। अब हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे और जो हमने गरम मसाला लिया था 1/2 टीस्पून उसे भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे। आप थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो। अब हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, आप देख सकते हैं। हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा और हमने जो 4 अंडे लिए थे हम उन्हें इसके अंदर डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे। इस तरह से हिलाना है आपको हाई फ्लेम पे। थोड़े देर के लिए हम इसके ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक्कन रखकर पकाएंगे। देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम थोड़ा हिलाकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी भुर्जी रेडी हो चुकी है। जो बचा हुआ हरा धनिया है हम उसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे। अब ये रेडी है। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।